हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुएब अंसारी और आप देख रहे हैं CSD वेलनेस। हाजिर हूँ मैं और एक नया वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक है क्या ऐसे करें, क्या ऐसा करें जिससे कि शुगर की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशन ना हो तो कुछ टिप्स बताता हूँ। अगर इसको आपने मेंटेन रखा तो आपको शुगर की वजह से भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। दोस्तों, पहला नंबर पे है शुगर का लेवल, यानी कि शुगर के लेवल को अगर आपने खाना खाने के बाद में बिलो 180 रखा और खाना खाने से पहले बिलो 120 रखा आपने, तो आपको शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम रहेगा। दूसरा है आपका HbA1c। अगर HbA1c को आपने इन रेंज रखा, यानी कि बिलो 7 रखा आपने, तो आपको शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशन चांसेस बहुत कम रहेगा। उसका बाद में है आपका ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर आपने बिलो 140 आपने मेंटेन कर लिया किसी भी तरह से, तो दोस्तों आपको शुगर की वजह से कभी भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तीसरा नंबर, बाकी जो चौथा नंबर पे जो है आपका डाइट और वेट है। ना तो आप ओवरवेट हो, ना ही आप अंडरवेट रहें, और डाइट को आप बैलेंस लें। ना तो बहुत ज़्यादा खाएं और ना ही बहुत कम खाएं, और खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा थोड़ा कम रखें, प्रोटीन्स और गुड फैट की मात्रा ज़्यादा रखें। और उसके बाद में है नियमित एक्सरसाइज, यानी कि ना तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करें, ना ही एक्सरसाइज बहुत कम करें। और उसके बाद में आता है, अगर आपका एज है 40 साल, आपने क्रॉस कर लिया और शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं और आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आपको एक मेडिसिन और ऐड करना चाहिए, वो है कोलेस्ट्रॉल का, जो कि स्टोर वॉस के नाम से आता है, स्टेटिन के नाम से आता है। ये दवाई ज़रूर ऐड कर लें शुगर की दवाई के साथ में, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल ही क्यों नहीं है, तब भी प्रॉपर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएं। यानी कि आपका ब्लड शुगर का लेवल, HbA1c, ब्लड प्रेशर, और आपका डाइट, और आपका जो है कि एक्सरसाइज और वेट, और आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इनको अगर आपने इन रेंज रखा, यानी कि नॉर्मल रेंज में रखा, तो शुगर की वजह से आपको कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, ये तय है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा छोटा सा वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को देख करके कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या चीज़ मुझे और भी सही करना चाहिए इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय।